गुड मॉर्निंग बच्चों, एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 8 के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेल के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हम अच्छे से भी पढ़ेंगे, तो पार्ट ऑफ सेल यानी कि सेल के अंग पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड अबाउट द पार्ट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल को समझने के लिए लेट अस एग्जामिन सेल फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। एक, दो और तीन जो एक्टिविटी है उनको परफॉर्म कर सबसे पहले एग्जामिन करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के सेल को। टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर इन प्लांट यूजिंग ओनियन पील, कि जो प्लांट्स यूज करते हुए ओनियन पील में जो सेल स्ट्रक्चर है उनके बारे में स्टडी करते हैं। टेक अ ओनियन, ओनियन लीजिए, पील ऑफ उसको, उसकी जो ऊपरी जो परत है, जो थिन पर जो लेयर है, थिन लेयर, उसको पील कीजिए, उसको उतारिए। कट ऑफ द स्मॉल पीसेज ऑफ ओनियन, जो प्याज है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए उसको। पील ऑफ द इनर सर्फेस, उसका इनर सर्फेस है जो कि टिश्यू पेपर जैसा दिखता है, उसको चिमटी की मदद से या फिर अपने नाखूनों की मदद से उसको उतार दीजिए। पुट द पीस ऑन द ओनियन स्किन फ्लैट ऑन द स्लाइड एंड एड 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। जो ड्रॉप, जो हमारी जो झिल्ली उतरी है, जो स्किन निकली है ऑनियन की, प्याज की, उसको एक स्लाइड के ऊपर रख दीजिए और उसके ऊपर 2 बूंद जो है आयोडीन सोल्यूशन लगा दीजिए। जनरली प्लेस ए कवर स्लिप ऑन टू द स्लाइड यूजिंग अ माउंटेड नीडल। प्लेस द स्लाइड ऑन टू द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। फोकस केयरफुली ऑन द ऑनियन स्किन यूजिंग ए लो पावर माइक्रोस्कोप। कि अब आपको एक कवर स्लिप लेनी है सुई की मदद से, वो इसके ऊपर लगा देनी है। कवर स्लिप लगाने के बाद में जो स्लाइड है उसको माइक्रोस्कोप के अंडर लगा के रख देना है, और लो पावर, लोएस्ट पावर जो होती है माइक्रोस्कोप की, उसको आपको फोकस करके आपको ऑब्जर्व करना है। नाउ टर्न द हाई पावर माइक्रोस्कोप टू सी द डिटेल ऑफ ऑनियन सेल। अब टर्न करना है, ऑन करना है आपको हाई पावर माइक्रोस्कोप को, ताकि आप जो ऑनियन सेल है उसको डिटेल्स देख सकें, उनकी डिटेल्स में उनको समझ सके। बट डू यू ऑब्जर्व एज यू लुक थ्रू द लेंस, जब आप लेंस से देखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर डेट यू आर एबल टू सी अंडर द माइक्रोस्कोप इन योर ऑब्जर्वेशन शीट। क्या आप जो डायग्राम, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, क्या आप उनको अपनी ऑब्जर्वेशन शीट के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, क्या आप उनको बना सकते हैं। डज इट लुक्स लाइक फिगर इन प्रीवियस पेज, जो पहले पेज के अंदर जो आपको दिखाई गई थी जो फोटो, क्या आपको उसी तरह का ये दिखाई दे रहा है। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यू हैव सीन इन एन ओनियन आर ओनियन पील आर बेसिक बिल्डिंग ऑफ एन ओनियन बल्ब। जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो आपने देखी, ऑलरेडी देख ली है आपने, वो जो होती है जो ओनियन पील की, वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट होती है। दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल, उनको हम सेल बोलते हैं। नॉट ओनली ओनियन, सिर्फ ओनियन ही नहीं, ऑल ऑर्गेनिज्म डेट यू सी अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। सिर्फ जो हमारे ओनियन यानी कि प्याज ही नहीं, उसके अलावा जितने भी आप जीवित प्राणी आपके आसपास देखते हैं वो सभी सेल से मिलकर बनते हैं। अब आता है टू स्टडी स्ट्रक्चर इन प्लांट्स यूजिंग हाइड्रिला लीफ, कि हाइड्रिला लीफ का यूज करते हुए जो प्लांट की जो सेल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना। टेक अ फ्यू ग्रीन लीफ ऑफ अ हाइड्रिला, हाइड्रिला मतलब होता है बच्चों एक एक्वेटिक प्लांट यानी कि पानी में उगने वाले पौधे की, कुछ पतली पतली पत्तियां लीजिए। प्रिपेयर अ स्लाइड एज डिस्क्राइब्ड अबव, जैसे बताया गया था वैसे स्लाइड बनाइए, उसको ऑब्जर्व कीजिए माइक्रोस्कोप के अंडर। ड्रा द स्ट्रक्चर यू सी, जैसा आप स्ट्रक्चर देखते हैं वो बनाइए। यू विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 8.7 और 8.8। ये दोनों फिगर में जैसे दिखाया गया है उसी प्रकार की स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व करेंगे। कैन यू नोट एनी डिफरेंस इन सेल स्ट्रक्चर बिटवीन एन ओनियन एंड हाइड्रिला लीफ, जो हाइड्रिला लीफ और जो हमारे ओनियन है, क्या उन दोनों की सेल स्ट्रक्चर के अंदर क्या आप कोई डिफरेंस पा रहे हैं, क्या आप कोई विषमता यानी कोई विभिन्नता पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है सेल का डायग्राम बच्चों, ये सेल का जो आपको याद रखना है, जो अभी तो आपके शायद है या नहीं आपको पता चल जाएगा आगे, लेकिन आगे वाली क्लासेस के अंदर आपके काम जरूर आने वाला है। एक्टिविटी नंबर 3 क्या है, टू स्टडी टू चेक स्ट्रक्चर्स इन चीक सेल, यानी कि एनिमल सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी करने के लिए। टेक अ क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, एक क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लीजिए, उसके अंदर 1 बूंद पानी डालिए। द टीचर विल प्रोवाइड यू कॉटन बड फ्रॉम अ फ्रेशली ओपन पैक, जो टीचर है वो आपको एक फ्रेशली ओपन बड, जो कॉटन का जो पैक होता है उससे एक कॉटन का टुकड़ा देंगे। जेंटली वाइप द लाइनिंग ऑफ योर चीक, जो आपके गाल है उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा वाइप करना, उसको रगड़ना है विद द वन एंड ऑफ द और कॉटन बड, एक एंड कॉटन बड से। स्मीयर द कॉटन बड ओवर द सेंटर एज ऑफ द स्लाइड, जो कॉटन बड है उसको आपको बिछा देना है
center of the slide, but immediately तुरंत बाद dispose the cotton bud into the beaker in disinfectant provided by your teacher. कि आपको क्या करना है, जो cotton bud जो बच जाए उसको आपको disinfected जो होता है बीकर होता है उसके अंदर आपको डाल देना है जो आपको टीचर देंगे. पुट अ ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू स्टेन ऑन अ टॉप ऑफ स्मियर, जो आपने जो रुई बिछाई है वहां पर उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक बूंद आपको मेथिलीन ब्लू स्टेन की डालनी है. प्लेस अ कवर स्लिप ऑन द टॉप, बाद में आपको कवर स्लिप लगानी है टॉप के ऊपर. एंड नाउ ऑब्जर्व द सेल अंडर द हाई पावर माइक्रोस्कोप, और बाद में आपको क्या करना है, हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व करना है. एक्टिविटी थ्री विल शो The cheeks shown in figure 8.9, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है उस टाइप के जो cheeks है वो आपको cheek cells है वो सेल में आपको दिखाई देंगे, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी. Now compare figure 8.7, 8.8, 8.9, 8.8, 8.7 और 8.9 जो figure है उनको compare कीजिए. In which respect is an animal cell is similar to the plant cell, किस तरीके से एक plant cell और animal cell same है. In what ways are the cell is three cases different, किस तरीके से ये जो तीनों केसेस में जो सेल है वो डिफरेंट है. लेट अस नाउ फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आइए इन क्वेश्चंस का आंसर जाने. ऑल द प्लांट एंड एनिमल सेल हैव थ्री पार्ट सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर तीन पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद द सेल मेम्ब्रेन, की जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. द मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम. जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है. इसके साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को बाहरी जो इलाका है, बाहरी जो मीडियम है उससे भी अलग करती है. द साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड एनक्लोजिंग द न्यूक्लियस टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म और जो सेल मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है और जो न्यूक्लियस उसके अंदर होता है और वो सारे मिलकर एक प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं. प्रोटोप्लाज्म इन अदर वर्ड इंक्लूड द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. प्रोटोप्लाज्म दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तीनों का एक इंक्लूजन है, तीनों का एक जोड़ा है, तीनों का एक साथ में अगर मिलाएंगे तब जाके वो प्रोटोप्लाज्म है वो बनेगा. अब पढ़ेंगे हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में. जस्ट एज ए हाउस हैज वॉल अराउंड इट, जिस तरह हमारे घर के चारों ओर दीवारें होती है, सिमिलरली उसी प्रकार सेल की भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसके चारों ओर, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, ये लिपिड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है. देयर आर मेनी टीनी होल्स इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे जो छोटे छोटे होल्स होते हैं. द सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, जो सेल मेम्ब्रेन है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है. पहला काम है ये शेप को, जो सेल है जो कोशिका उसको शेप देती है. दूसरा सेल को प्रोटेक्ट करती है. तीसरा इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट मटेरियल फ्रॉम द सेल, कि कोई चीज सेल के अंदर आएगी या सेल से बाहर जाएगी ये सारा सिर्फ किस पे निर्भर करता है. ये सभी की सभी जो चीजें हैं वो सेल मेम्ब्रेन पर निर्भर करते हैं. सेल मेम्ब्रेन अगर चाहे तो चीजें अंदर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी. देयरफॉर इट इज सेड टू बी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन एंड सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन. द सेल मेम्ब्रेन इज अ टिपिकल सेल इज स्पेसिफिक अबाउट सब्सटेंसेस दैट आर अलो इन और आउट ऑफ द सेल, हेंस इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमीबल. कि इसको हम सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन या फिर जो है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक टिपिकल सेल होती है जिस जो निर्धारित करती है कि कोई चीज सेल के अंदर एंटर करेगी या नहीं करेगी, या फिर कोई चीज को सेल से बाहर जाने देना है या नहीं जाने देना, इसलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन है वो कहते हैं. डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द सेमी परमीबिलिटी ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, कि कुछ एक्टिविटीज है जो आपको करनी है ताकि आप समझ सकें कि एक सेल मेम्ब्रेन की सेमी परमीबिलिटी है वो किस तरह से होती है. अब एनिमल सेल वो किस तरह से बनता है, तो एनिमल सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, लाइसोसोम, क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम और गोल्गी बॉडीज. तो आपको अच्छे से याद रखनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दोनों डायग्राम आपके 10th क्लास तक काम आएंगे, बायोलॉजी लेंगे तो पूरी जिंदगी काम आएंगे आपको ये. और इसी प्रकार जो प्लांट सेल है वो सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियोलस से, एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिलम होता है उससे, एमिलोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म और गोल्गी बॉडीज से मिलकर बनती है. अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, स्ट्रक्चर बहुत काम आने वाली है. अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म. साइटो का मतलब होता है होलो, यानी कि खाला या फिर खाली या फिर खोखला.
और जो हमारा प्लाज्मा होता है उसका मतलब होता है लिक्विड. द साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड दैट फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर एक जेली लाइक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ मेनी डिजॉल्व सब्सटेंस. इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस है वो गुले हुए होते हैं. मेनी केमिकल रिएक्शन सच एज ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड सिंथेसिस ऑफ फूड टेक प्लेस इन इट. कि बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शन है जैसे कि खाने का टूटना या खाने का संश्लेषित होना वो सभी का साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. इट इज अ सीट ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनल्स विच इज परफॉर्म वेरी वेरियस लाइफ फंक्शन. ये जो है वो बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स की जगह होती है जो अलग अलग जो है वो काम करते हैं. द सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूडेड इन द साइटोप्लाज्म. ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो अलग अलग काम करते हैं साइटोप्लाज्म में वो है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स जो कि सिर्फ प्लांट सेल में दिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिलम जिसको हम ईआर बोलते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम जो कि सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं. तो ये सारी चीजें हैं वो सेल ऑर्गेनल्स में आती हैं. वी डील विद द सेल ऑर्गेनल्स वन बाय वन. आइए इन सब के बारे में जानते हैं. स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, उसका क्या काम होता है, आइए शुरू करते हैं. द वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, माइट्रो मीनिंग थ्रेड और कॉन्ड्रियन मीनिंग ग्रेनुअल. कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है जो है माइटो प्लस जिसका मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन जिसका मतलब होता है ग्रेनुअल. तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लूरल है यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है और जो माइटोकॉन्ड्रियन जो होता है वो होता है सिंगुलर. माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि एक बड़ी संख्या में होते हैं माइटोकॉन्ड्रियन. इसका मतलब ये होता है देर आर ओवल शेप्ड सेल ऑर्गेनल. ये ओवल के आकार के एक अंडे के आकार के सेल ऑर्गेनल होते हैं एंड आर साइट ऑफ सेल सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करते हैं. सेल का श्वसन का काम है उसके लिए आते हैं. वी नो हम जानते हैं रेस्पिरेशन रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. हम ऐसा सब कुछ हम ये जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होते हैं जैसे खाने का ऑक्सीकरण होना, ऑक्सीडेशन होना और एनर्जी का रिलीज होना. सिंस इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया फैसिलिटेट दिस रिएक्शन. जो माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर जो होती है इनको रिएक्शन करने के लिए जगह देता है एंड हेल्प इन रिलीज ऑफ एनर्जी और एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है. देयरफॉर दे आर देयरफॉर नोन एज पावर हाउस ऑफ ऑफ द सेल. ये माइटोकॉन्ड्रिया को है सेल का पावर हाउस इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है. Since mitochondria carried out an important function of plant and animal cell, they are present in both. क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है प्लांट और एनिमल सेल में इसलिए ये दोनों में प्रेजेंट होता है. अब आता है प्लास्टिड. इट अकर मोस्ट इन प्लांट सेल एंड इज एबसेंट इन एनिमल सेल. जो प्लास्टिड है वो ज्यादातर प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है और कुछ प्लांट सेल में भी नहीं पाया जाता और एनिमल सेल में वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता. प्लास्टिड आर ऑफ थ्री टाइप. ये तीन टाइप के होते हैं. पहला क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर प्लास्टिड विच आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट. दे कैप्चर सन एनर्जी एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे गिव येलो एंड रेड कलर टू फ्लावर. कि जो पहले होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर के प्लास्टिक होते हैं जो ग्रीन एल्गी या फिर बड़े प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं. ये सूरज की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और इन्हीं के कारण जो हमारे फ्लावर है उनका कलर लाल और पीले कलर का होता है. क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर प्लास्टिक होते हैं, सिर्फ प्लास्टिड होते हैं. इनका कलर ग्रीन को छोड़कर कोई भी हो सकता है. ल्यूसोप्लास्ट है वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, उनका कोई कलर भी नहीं होता है. अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि ईआर. ये क्या होता है? दीज आर फाइन ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर. ये फाइन ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर होती है एक्सटेंडेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक की होती है. दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेल साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये है वो एक लिंक बनाती है सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में. दिस हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. जो कि हेल्प करता है सब्सटेंसेज को ट्रांसपोर्ट करने में एक रीजन से दूसरे रीजन तक. अब आता है राइबोसोम. दीज आर द स्मॉल ग्रेनुअल फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड आर लोकेटेड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. कि जो ये होते हैं स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे ग्रेनुअल्स होते हैं दाने आकार के होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में हमें फ्रीली फाउंड मिलते हैं, नॉर्मली मिल जाते हैं और ज्यादातर जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर पे पाए जाते हैं. इनका काम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम है वो इन्हीं जगह पर होता है. अब आता है लाइसोसोम. लाइसोसोम आर द ऑर्गेनल्स दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम. लाइसोसोम जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम शामिल होते हैं. द डाइजेस्टिव एक्सेस
of worn out organelles, food particle और various virus और bacteria. जो डाइजेस्ट करते हैं ये ऑर्गेनल्स जो है ये डाइजेस्ट करते हैं फूड पार्टिकल्स को, वायरसेस और बैक्टीरिया को. दे आर निक्ड नेम, ये अगर ज्यादा खा ले तो ये फट जाते हैं, इसलिए इनका निक नेम क्या है, सुसाइड बैग्स या फिर सुसाइड सैक, यानी कि आत्मघाती थैलियां, यानी कि खुद को मार लेने वाली थैलियां. ओके, अब आता है वैक्यूल. वैक्यूल इज अ कैविटी फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप. कि वैक्यूल है वो कैविटी होती है जो कि एक लिक्विड से भरी हुई होती है, जिसको हम सेल सैप बोलते हैं. वैक्यूल आर बिगर इन साइज एंड मोर इन द प्लांट्स एंड देन इन द एनिमल, वेयर दे आर लेस इन नंबर स्मॉलर इन साइज. कि जो ये है बड़े साइज में होते हैं और ज्यादा संख्या में होते हैं प्लांट एनिमल्स प्लांट सेल्स के अंदर, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर इनकी संख्या है वो कम होती है और इनका साइज है वो भी छोटा होता है. द सेल सैप्स कंटेनिंग वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस सच एज शुगर एंड साल्ट. कि सेल सैप के अंदर है वो पानी होता है और कुछ घुले हुए चीजें होती है जैसे साल्ट एंड शुगर हो गया. द सेल सैप कीप द सेल फर्म बाय अब्जॉर्बिंग वाटर. कि जो सेल सैप है वो सेल को पानी को अब्जॉर्व करके उसको देता है. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें, इफ इट कीप द सेल इन टर्जिड स्टेट एंड हेल्प द प्लांट टू रिमेन अपराइट. ये जो है वो प्लांट को एक सीधी स्टेट में खड़े रहने के लिए हेल्प करता है, और अदर भाषा में कहें तो ये सेल को है वो पानी का प्रदान करता है, पानी को देता है इनको. इफ द प्लांट लूजेज मच वाटर ऑन अ ड्राई डे इट विल विल्ट. कि अगर प्लांट मान लीजिए किसी दिन ज्यादा पानी अगर लॉस कर ले, तब इसके मदद से जो पानी का लॉस है वो पूरा हो जाता है. अब हम चलते हैं नीचे बच्चों, यहाँ पर कि यहाँ पे बताया गया माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है वो भी आपको देखनी है, पढ़नी है, बनाने की भी कोशिश करनी है, काम आने वाली रिएक्शन जो स्ट्रक्चर है. क्लोरोप्लास्ट की भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बताई है, यहाँ पे ईआर की भी स्ट्रक्चर आपको बताई हुई है, और इसके अलावा वैक्यूल है उसकी भी स्ट्रक्चर आपको आराम से है वो किस टाइप का होता है वो दिखाई हुई है. अब आता है गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज आर ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म सेक्रेटरी फंक्शन एंड आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल. गोल्जी बॉडीज है वो कुछ अलग प्रकार के फंक्शन करते हैं जो कि एनिमल सेल्स के अंदर पाई जाती है. प्लांट सेल है डिक्टोसोम्स दैट परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन एज गोल्जी बॉडीज इन एनिमल सेल. जिस प्रकार गोल्जी बॉडीज एनिमल सेल में काम करती है उसकी प्रकार डाइसाइटोसोम्स होते हैं जो प्लांट सेल के अंदर होते हैं और इसी प्रकार के जो फंक्शन है वो करते हैं. अब आते हैं सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम सिर्फ वो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं और वो किस काम के लिए आते हैं, सेल डिवीजन के लिए काम में लिए जाते हैं. तो अब क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स है, क्या क्या काम आते हैं. तो माइक्रोकॉन्ड्रिया है उसका काम क्या होता है, वो आता है रेस्पिरेशन का काम करने के लिए और सेल को एनर्जी देने के लिए. जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या काम आते हैं, क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, और क्या काम होता है इनका, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना और पत्तियों को हरा रंग देना. ER जो है उसका काम क्या है, बींग अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होने के कारण इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर लाइफ फंक्शन टू टेक प्लेस. ये एक बड़ा सरफेस एरिया देता है जिसके अंदर लाइफ फंक्शन है वो हो सके. इसके बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, उसका काम क्या होता है, इट कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द सब्सटेंसेस मेड ऑफ सेल सच एज प्रोटीन. जो सेल के अंदर जो प्रोटीन वगैरह जो बनते हैं इसका काम होता है उनको लेना और डिस्ट्रीब्यूट करना. सिंथेसिस का काम होता है सेक्रेशन ऑफ मैनी मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स का सेक्रेशन है वो भी इसका काम होता है. लाइसोसोम का काम क्या होता है, कंटेन एंजाइम विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग वेरियस मटेरियल. इसका काम क्या होता है, ये होता है बच्चों एक कंटेन इसके अंदर एंजाइम होते हैं जिसका काम होता है अलग अलग जो वेरियस मटेरियल है उनको तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना. इसको सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं. और राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक ऐसे स्थान है जहां पर प्रोटीन का है वो संश्लेषण होता है, जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. अ फीचर शेयर बाय द प्लांट एंड एनिमल सेल. कि कौन कौन सी चीजें हैं दोनों में सेम होती है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में. पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों में होती है, न्यूक्लियस है वो दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, ईआर जो है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, लाइसोसोम है और राइबोसोम है वो भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दोनों सेम है. अलग अलग किस तरह से है, इनमें एनिमल्स के अंदर सेंट्रोसोम होते हैं, उनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल वगैरह होते हैं, तो इस प्रकार से ये अलग अलग भी है. अब आता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं कि प्लूरल तो होता है ये न्यूक्ली और जो सिंगल वर्ड है जो है वो न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल. कि न्यूक्लियन है वो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, सेल के अंदर सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म जिसके चारों ओर साइटोप्लाज्म फैला हुआ होता है. द न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ सेल. जिस प्रकार हमारा शरीर का बॉस दिमाग है उसी प्रकार सेल का शरीर का जो बॉस है वो हमारे न्यूक्लियस होता है. जस्ट लाइक द प्रिंसिपल
of your school as principal control everything taking in the school and nucleus also control everything happen in the cell. जिस प्रकार स्कूल के अंदर प्रिंसिपल पूरी स्कूल की गतिविधि को संभालते हैं, जिस प्रकार कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार जो न्यूक्लियस है वो सेल की पूरी गतिविधि को कंट्रोल करता है. इट इज अ डेंस ग्रेनुलर बॉडी प्रेजेंट इन अ सेल, कि ये एक घनी और दानेदार एक गोलाकार बॉडी होती है जो सेल के अंदर पाई जाती है, सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, जिसके चारों ओर साइटोप्लाज्म फैला हुआ होता है. एज द ब्रेन कंट्रोल अवर एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, जिस प्रकार हमारा दिमाग हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार एक सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. इट इज प्रेजेंट इन एनिमल एंड एज वेल एज जो एनिमल एंड प्लांट सेल, ये क्या है जो न्यूक्लियस है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है. इट कैन बी क्लियरली व्यू व्हेन द सेल आर स्टैंड एंड व्यू अंडर ए माइक्रोस्कोप, जो हमारा जो न्यूक्लियस है उसको अगर हम देखना चाहें, अगर हम देखना चाहें तो वो क्लियरली हमें दिखाई देगा, विजिबल होगा. कब विजिबल होगा बच्चों? जब सेल को हम स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तब. अब आता है न्यूक्लियस इज ए स्पेरिकल बॉडी, जो न्यूक्लियस जो है वो एक स्पेरिकल यानी गोलाकार बॉडी है जिसके चार पार्ट हैं. पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोसैक, तीसरा है न्यूक्लियोलस यानी कि प्लूरल न्यूक्लियोली, और उसके बाद में है हमारा क्रोमोसोम्स. प्लूरल जो होता है न्यूक्लियोलस का वो होता है न्यूक्लियोली. द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की चारों ओर एक कवरिंग लेयर होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, इसकी मदद से जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से अलग रहता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक सेल मेम्ब्रेन इज अ पोरस एंड हैविंग अ टिनी होल्स इन इट विच अलाउ टू सब्सटेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, कि ये है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग अलग करती है. इसका काम भी सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है, इसके अंदर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि सब्सटेंस को एक्सचेंज करने के काम आते हैं. ए जेली लाइक फ्लूड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, कि सेल के अंदर एक जेली लाइक फ्लूड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक फ्लूड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोली आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, जो क्रोमोसोम और न्यूक्लियोली है वो सभी के सभी दोनों के दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं. न्यूक्लियोलस इज अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियोलस है वो एक छोटी स्फेरिकल यानी गोलाकार बॉडी है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है. क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम एक धागानुमा संरचना होती है विच बिकम विजिबल जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन, जो कि हम देख सकते हैं सेल डिवीजन के जस्ट पहले, सेल के विभाजन होने से जस्ट पहले. दे वर सीट टू द सीट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, इनके अंदर जो सेल का जेनेटिक यानी कि जो जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो इनके अंदर शामिल होता है, यानी कि जीन्स जो होते हैं वो इनके अंदर होते हैं. जीन्स आर कोड मैसेजेस विच ब्रिंग इन सिमिलरिटी इन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जो जीन्स क्या होते हैं बच्चों, जीन्स एक कोडेड मैसेज होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में समानताएं लाते हैं. एज दे पास फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, जैसे ही वो अपने पेरेंट्स से अपने जो बच्चे होते हैं उन तक पहुंच जाते हैं. जिस प्रकार मान लीजिए किसी के पापा है, मान लीजिए उनके बाल सीधे हैं, तो कई बच्चे होते हैं अपने पापा पे जाते हैं, उनके बाल भी सीधे होते हैं. जो कई बच्चों की आवाज़ है वो अपने पापा से मिलती है, कई लड़कियों की आवाज़ अपनी मम्मी से मिलती है. वो किस कारण होती है? वो जीन के ट्रांसफर के कारण होती है. तो इस तरह से है वो जीन एक कोडेड मैसेज के रूप में होते हैं. अब आता है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के फंक्शन क्या क्या है. इट कंट्रोल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल, ये सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ हाइड्रेटिंग मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, जो जेनेटिक मटेरियल जो मैंने बताया कि कोडेड मैसेज के द्वारा सेंड करने का काम भी है, वो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में न्यूक्लियस ही करता है. प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और रिजिड सेल वॉल होती है जिसके चारों ओर. प्लांट सेल के अंदर देयर इज ए थिक रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है उसके चारों ओर एक थिक सेल वॉल होती है, जो एक थिक स्ट्रॉन्ग और रिजिड सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती. इट इज फ्रीली परमीबल, ये फ्रीली परमीबल होती है एंड इज सेक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑफ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, कि ये है वो एक सेल के द्वारा खुद द्वारा बनाई जाती है. प्लांट सेल के अंदर सिर्फ एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, जो कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को जो है वो बचा के रखती है, प्रोटेक्ट करती है. द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ अ प्लांट सेल एंड प्रिवेंट द डिसीजन ऑफ सेल, कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल की जो शेप है उसको निर्धारित करती है. इसके अलावा जो प्लांट जो सेल है उसको टूटने से उसको बिगड़ने से बचाती है.
इट इज अ थिक लेयर ऑफ थिक लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल है वो एक थिक लेयर होती है जो कि सेलुलोज से मिलकर बनती है, और जो सेलुलोज होता है ये जो है एक नॉन लिविंग होती है नेचर के अंदर। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल, ये सेल को कठोरता देती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल, ये सेल को प्रोटेक्शन देती है। प्लांट सेल नीड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हाई स्पीड विंड वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड एटमोस्फेरिक मॉइस्चर। जो प्लांट जो सेल होते हैं उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, किसके खिलाफ? जो तेज हवाएं चलती है, तापमान कम ज्यादा होता है, और जो मौसमी की जो नमी होती है उससे बचने के लिए प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए द प्लांट नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस फैक्टर एज दे कैन नॉट मूव, क्योंकि जो प्लांट्स है वो मूव नहीं कर सकते जानवरों की तरह, इसलिए उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए उनके अंदर जो है वो सेल वॉल भी पाई जाती है। असाइनमेंट आप अपने आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें क्या क्या चीज़ें हैं आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, आप इजीली इनको है वो फिल कर सकते हैं। हम चलते हैं बच्चों सीधा नेक्स्ट पेज पे। डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज द न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया प्लांट एंड एनिमल आर स्ट्रक्चर इन सिमिलर इन स्ट्रक्चर। क्या बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है, प्लांट का जो न्यूक्लियस है, और एनिमल का न्यूक्लियस है, उनकी स्ट्रक्चर सेम है। द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है बैक्टीरिया के सेल के न्यूक्लियस के मुताबिक। इन बैक्टीरिया के अंदर द न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज एंड इट्स लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेयर इज द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज सही ढंग से नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जबकि प्लांट और एनिमल जो सेल है उनके अंदर जितने भी उनके अंदर क्या होता है बच्चों, उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है, और उनके अंदर एक निश्चित शेप होती है उसकी, और उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ऑन दिस बेसिस इसके आधार पर देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, सेल है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रो मींस प्रिमिटिव और कैरियंस मींस न्यूक्लियस सेल, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स विद प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। अब आता है यूकैरियोटिक, जिसका मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि जिसका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो। ऐसे क्या होते हैं? एज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ऑर्गेन्स ब्लू ग्रीन एल्गे, कि जो यूकैरियोटिक जो होते हैं सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़ के सभी जीवित प्राणी के अंदर पाए जाते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स विद यूकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, कि ऐसे ऑर्गेनिजम जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं उनको यूकैरियोट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे माइंड मैप से आप इजीली समझ लेंगे कि जो सेल है वो साथ में मिलते हैं, मिलने के बाद टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के बाद में ऑर्गेन बनते हैं, ऑर्गेन अलग अलग काम करते हैं। सेल थ्योरी है तो वो आर विरको ने समझाई, जो कि आपने पढ़ ली है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी शायद मेरे अकॉर्डिंग तो। और इसके अलावा जो सबसे लंबी सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो कौन कौन सी होती है वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। सेल साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में भी जो हमने पढ़ा वो भी बताया गया है। सेल किसके द्वारा देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे बताया हुआ है। अब सेल को डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म में। जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो भागों में बढ़ती है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन जो है, जो हमारा सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों में पाई जाती है, प्लांट एंड एनिमल में। प्रोटोप्लाज्म फर्दर दो भागों में बनता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस है वो अलग भागों, उसके खुद के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म है वो भी अलग भाग में टूटता है, क्रिस्टल और सेल ऑर्गेनल्स में। जो क्रिस्टल है वो डबल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन और जो राइबोसोम उसमें चेंज होते हैं। जो डबल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्लास्टिड माइक्रोकॉन्ड्रिया वो शामिल होते हैं, और सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर जो है गोल्गी ट्रैफिकिंग ER वैक्यूल और राइसोसोम शामिल होते हैं, और नॉन मेम्ब्रेन है उनके अंदर जो है हमारे राइबोसोम शामिल होते हैं। तो बच्चों चैप्टर यहाँ पे शॉर्ट में बताया हुआ, आप इजीली इससे याद कर सकते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने, और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।